जमीन विवाद में भतीजे की गोली मारकर हत्या, चाचा की हालत गंभीर, प्रधान पक्ष पर आरोप। मैनपुरी जिले में जमीन के विवाद को लेकर सोमवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके चाचा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने हमले का आरोप प्रधान पक्ष के लोगों पर लगाया है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। घटना एलाऊ थाना क्षेत्र के गाँव इलाबांस की है। गांव निवासी एकलव्य मिश्रा अपने भतीजे सौरभ मिश्रा के साथ घर के पास खाली पड़ी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। आरोप है कि तभी प्रधान पक्ष के लोग आ गए और इस जमीन पर अपना अधिकार बताते हुए विरोध करने लगे। एकलव्य मिश्रा और उनके 25 वर्षीय भतीजे सौरभ मिश्रा ने विरोध किया तो दोनों को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से सौरभ मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। उसके घायल चाचा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चला दी। हाँ। किसने? प्रधान ने। प्रधान क्या नाम है? प्रदीप परमार। प्रदीप? प्रदीप परमार। उसमें कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए हैं? नहीं तो पता नहीं। तो गोली किस किस पे लगी है? गोली नहीं मेरे को मालूम है। मेरे गोली लगी, हम सब क्या रहा गोली लगी होगी। क्या हुआ पूरी घटना बताइए, क्या कैसे? वो वहाँ पे जगह थी इलाहाबाद में। हाँ। उसके बीच में विवाद। किन किन बीच में ये विवाद था? पिंटू प्रधान में और सौरभ। हाँ, उसमें क्या हुआ है? उसमें गोली लगी है। और घायल भी है कोई? और उनके चाचा घायल। अच्छा, किस बात को लेके ये विवाद हुआ? वो सौरभ की जगह थी ना, उसकी वजह से हुआ है। तो गोली किसने चलाई? गोली पिंटू प्रधान ने। घटना की जानकारी होते हुए फोर्स के साथ एसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन की। एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में घटना के पीछे जमीन विवाद बताया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रकरण थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी का है। इसमें इलाबांस ग्राम में एक प्लॉट पर निर्माण कार्य को लेते हुए एक सौरभ मिश्रा और प्रधान पति पिंटू सिंह के बीच में मारपीट और फायरिंग हुई। इस मारपीट और फायरिंग में सौरभ मिश्रा को गोली लगी, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सौरभ मिश्रा के बड़े भाई के द्वारा 6 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई। इन 6 नामजद लोगों में से पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा प्रधानपति के आवास पर दबिश दे करके उनके आवास से 3 लाइसेंसी असलहे, 3 अवैध तमंचे और 3 दर्जन से भी ज़्यादा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसमें आगे और भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।